घन घन नील बदन अति सुंदर। भगवान का चेहरा नीला है, ये क्या ब्लू बेबी है क्या? आप चाहे शिव जी का चित्र देखो, कृष्ण का देखो, राम का देखो, किसी का भी देखो, चेहरा कैसा है? नीला है। तुम्हारी जो असली स्वरूप है वो नीला है। नील रंग का अर्थ है विशालता। जिसका कोई अंत नहीं है, जिसका कोई शुरुआत नहीं है, वो नील है। हमारी आत्मा नील रंग है, माने कोई अंत नहीं, अनंत है, अपार है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अनंत आकाश को देखे कोई भाव तो नहीं उमड़ता है, तो फिर उसमें एक रेखा खींच ली ऐसे कोई। क्यों रेखा खींचा, क्यों एक रूप बनाया? इसलिए कि कुछ भाव जगे। भाव जगते ही विचार शांत होते हैं, और भाव जगते ही हम समाधि में जा सकते हैं आसानी से। समाधि माने समा जाना, कहां अपने आप में समा जाना समाधि है। ऐसा नहीं कोई जमीन पे गड्ढा खोद के वहां पर अपने आप को गाड़ दी, ये समाधि समझती, ये नहीं समाधि। मरने के बाद कहते हैं तो समाधि तो हो गई, मृत्यु को कहते हैं महासमाधि हो गया है। नहीं, जीते जीते समा जाना अपने आप में, उसी को समाधि। तो इस तरह से हमें अपने साथ जोड़ने के लिए भाव की जरूरत है, वो भाव जगाना जरूरी है। तो तब उन्होंने कहा कि अच्छा चलो, कोई कोई तो वैसे कर लेंगे, निराकार में एकदम भाव जगता है, मगर आम जनता को निराकार में भाव नहीं जग सकता, ताकि हमारा सब व्यवहार रूप से है अरूप से नहीं, हमारा सब व्यवहार आकार से है निराकार से नहीं। तो व्यवहार से हमको चल के अपने तक पहुंचना है, तो इसीलिए कहा कि अच्छा नील स्वरूप है, जैसे है भी और नहीं भी। फिर कहा कि रूप को छोड़ो, फिर शालिग्राम को पूजो, माने एक सिर्फ एक पिंडी रख दी, एक पत्थर रख दिया, मूर्ति से ज्यादा श्रेष्ठ है शालिग्राम। शालिग्राम माने क्या, एक पत्थर, छोटे से पत्थर, उसमें कुछ भी तुम सोचो, ये राम है, कृष्ण है, शिव है, शक्ति है, कुछ भी सोच के उसको। फिर बोले उससे भी बेहतर है सिर्फ मंत्र को सुनना, कीर्तन करना शालिग्राम से भी उत्तम पूजा है। फिर कहा कि मंत्र से भी उत्तम क्या है, ध्यान में चले जाना, जहां मंत्र छूटा वहां अजपा जप, माने जहां जप भी छूट गया, चुप हो गया, सोहम को कहा गया अजपा जप, माने सोहम करते 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 सोहम भी छूट गया, कुछ नहीं रह गया, सांस भी फिगल गया। तो ये सबसे उत्तम विधान है पूजन का, भजन का, कीर्तन का। तो ये सीढ़ी दर सीढ़ी ले गए हमारे, उसमें कहा गया कि भगवान कहाँ है, देवता कहाँ है, तो कहा कि मनुष्याणाम अप्सु देवता, मनुष्यों के लिए प्रेम ही भगवान है, मनीषीणाम दिव्य देवता। मनीषी माने जो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए सिर्फ प्रेम से नहीं काम चलेगा, उनको दिव्य देवता, प्रकाश ज्ञान में भगवान। बालानाम लोष्ट काष्टेश, बाल माने जो
मंद बुद्धि वाले लोग हैं, आम जनता के लिए लोष्ट काष्टेषु पत्थर में और काष्ट में लकड़ी में मूर्तियों में भगवान दिखता है। ज्ञानिनो आत्मनि देवता, ज्ञानियों को अपनी ही आत्मा में सभी भगवान दिखते हैं, सभी देवता अपने आत्मा में। सभी तरह के लोगों को भजन का एक प्रथा चलाए, तो जिसको मूर्ति उसको मूर्ति करो, जिसको पानी में देखना पानी में देखो, प्रकृति में देख लो। हर किसी त्योहार में क्या करते, एक कलश में पानी रखे उसको पूजते, जल प्रेम का प्रतीक है, जल को पूजते हैं, जल में है भगवान, पत्थर में है, पहाड़ में है, सूरज को भगवान समझते हैं। सारे संसार भगवनमय है, तो जब भी आप शिव को याद करते हो आपके सामने चित्र आ जाता है, किसी रवि वर्मा ने किसी ने पेंटिंग जो किया वो चित्र, वो नहीं आना चाहिए। त्रिशूल लेके कोई खड़ा है ये नहीं सोचना चाहिए, गड़बड़ हो जाएगा। शिव माने जो अनंत ब्रह्मांड है, पूरे सृष्टि शिव है। तो कहा शिव का क्या स्वरूप है, ब्रह्मांड व्याप्त देहा, जिसका शरीर पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त हो गया है, जिसका कंठ काल है, जिसका आंख सूर्य और चांद है, और जिसकी माला सारे तारे हैं। ऐसे शंकर भगवान को ध्यान करो, ऐसा नहीं कि कोई त्रिशूल लेके बैठा है। आजकल त्रिशूल का काम नहीं चलेगा, फिर तो AK-47 लेके बैठना पड़ेगा। शिव तत्व माने जो आत्म तत्व, जिसमें प्यार ही प्यार, जिसमें मुक्तता है, वह है शिव तत्व। शिव जी बहुत बड़े हैं, माने इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां खड़ा कर देना शिव नहीं है। जब ध्यान के बाद, कीर्तन के बाद जब तुम चुप हो जाते हो, मन के भीतर एक आनंद की लहर उठती है, वह शिव तत्व है। जब तुम सत्य को महसूस करते हो जीवन में, ये जीवन का सत्य है, तब तुम शिव में होते हो। और जब भी तुमको जीवन में एक सुंदरता का अनुभव होता है, ऐसा लगता है बहुत सुंदर है, उन घड़ियों में तुम शिव के पास हो। अक्सर जब हम सुंदरता का महसूस करते हैं फिर बहिर्मुख हो जाते हैं, उस सुंदरता के अनुभव के साथ नहीं रहते। थोड़ी देर के लिए हम ऐसे रहे तो ध्यान हो जाता है उसी वक्त, वही सत्यम शिवम सुंदर होता है। वो सब हमारे ही स्वरूप है, हमारी आत्मा है। शंकरा, यही उसका मतलब, शंकरो इति शंकर, जो सबको मंगल करता है शंकर, तो वह चेतना, अशुद्ध चेतना, जिससे ये सब कुछ बना है, वही शिव है। सर्वम शिवमयम जगत, इस जगत के कण कण शिव से भरा हुआ है, शिव के बाहर कुछ है ही नहीं। पुराणों में भी एक कथा है, शिव का आदि और अंत खोजने के लिए ब्रह्मा और विष्णु चले। विष्णु को ना शिव का पांव मिला, ब्रह्मा को ना शिव का सिर मिला। माने जिसका पांव भी नहीं है, जिसका सिर भी नहीं है, जिसको देख ही नहीं सकते, वह रूप आनंद चेतना वह शिव। तो अब किसी भी धर्म की तुम मूल में जाओ, धर्म की बात समझो, उसमें यही है, यही बात। इस्लाम में ले लो, क्या कहते हैं, भगवान निराकार है और सब जगह व्याप्त है, बिल्कुल सब जगह व्याप्त है। वही शिव पुराण में भी कहते हैं, निरंजनो निराकार, सब जगह व्याप्त है, सब गुणों से संपन्न तत्व है।